जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर आप मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपाय कर अपने ग्रहों की स्थिति को सुधार सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। धन, व्यापार, बुद्धि, वाणी, संवाद के कारक यानी कि बुध देव, बुध ग्रह को अस्त होना शुभ नहीं माना जाता है। 19 जून से बुध अस्त होने जा रहे हैं और ये समय कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा साबित होने वाला है, क्योंकि बुद्धि के कारक है, धन के कारक है। अब अगर ये अस्त हो जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देनी बंद कर देंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप जुबान से कुछ भी बोल देंगे, आप बुरा जल्दी बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, आपको अपनी ही कन्या का सुख नहीं मिलेगा। और ऐसा करने से आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेसमैन हैं और बुध का अस्त होना, अगर आपकी राशि जो मैं बताऊंगी वो है, तो आपके लिए ये समय खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार देखिए, जून महीने की शुरुआत में 7 जून को बुध ने गोचर करके वृषभ राशि में प्रवेश किया था। वहीं वृषभ में बुध गोचर से बुधादित्य योग बना था, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र और बुध और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि सूर्य के मिथुन में प्रवेश करते ही खत्म हो गए थे, अब बुध 19 जून को वृषभ राशि में अस्त होने जा रहा है। तो शुक्र की राशि वृषभ में बुध का अस्त होना अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि शुक्र यानी कि धन, लग्जरी, सुख, प्रेम के दाता है, सुख के साथ वैभव, आराम इसको देते हैं शुक्र। शुक्र यानी कि ब्यूटीफुल स्किन, शुक्र यानी कि मीडिया। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आप ब्यूटी को पसंद करते होंगे, आप ब्यूटी से रिलेटेड काम कर लेंगे तो जरूर चलेगा, आप मीडिया में काम करेंगे तो जरूर चलेगा। जून से अस्त हो रहे बुध यानी कि 12 जुलाई को उदय होंगे, तो 19 जून 2023 को बुध अस्त होने से 12 जुलाई 2023 को बुध उदय होने तक का समय, जो मैं चार राशियां आपको बताऊंगी ना, इनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाला है। क्योंकि इन राशियों के साथ जो लग्जरी देने वाले कारक हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जो शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में है उनको लॉस देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी चार राशियां हैं जिनको बुध अस्त के दौरान सावधानी रहने की, सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है, सावधानी रखने की पूरी जरूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा मेजर लॉसेस, मतलब इस एक पीरियड में, इस पर्टिकुलर पीरियड में आप अपने अनुसार चीजों को करेंगे और फिर बाद में सोचेंगे, अरे ये मैंने कैसे कर दिया, मेरी बुद्धि क्या पत्थर रखे थे मेरी बुद्धि पे, मैंने ऐसा कर दिया। तो इस पीरियड में सबसे पहला एडवाइस जो मैं आप सभी को दूंगी, मैं जिन राशियों के अब नाम लूंगी ये राशियां चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपनी जिंदगी में अगर कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं इस समय तो किसी से सलाह मशवरा लेकर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और बाद में आपको पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। आप सोचेंगे ऐसा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों ऐसा कर दिया है। तो सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का अस्त होना इस राशि के लोगों के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। अस्त बुध इन लोगों को करियर में समस्या दे सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस ठीक होने की शर्त ये होगी कि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करें, आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर चीजों को करेंगे तो जरूर चीजें
स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगे। आपको आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलेंगे इस पीरियड में, क्योंकि आपकी जमा पूंजी भी आपको खर्च करनी पड़ सकती है। किसी वजह से जो सेविंग है वो आपकी बाहर निकल कर आ सकती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगी ये समय अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर उपायों को जरूर करिए। और सबसे एक कॉमन चीज जो मैं आप सभी राशि वालों के लिए कहूंगी कि इस पीरियड में कोई भी मेजर डिसीजन ले तो किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह मशवरा लेकर ही ले, बहुत जरूरी है। सिंह राशि के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए भी देखिए बुध अस्त होकर आपको कष्ट ही देने वाले हैं। काम का दबाव आप पर बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। ये समय आपका निराशा भरा रह सकता है और आपकी गलतियों से पर्दा भी उठकर सामने आ सकता है। आपने जो गलतियां करी थी अब तक जो छुपा हुआ था वो भगवान भरोसे छुपा था, लेकिन इस पीरियड में ऐसा नहीं होगा। आप इतनी बेतुकी बातें करेंगे जिनको आप बाद में अगर सुनेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये मैंने कैसे बोल दिया, ऐसे तो मैं बोल ही नहीं सकता या मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकती। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोच समझ के बातों को बोलिएगा। आपको यात्रा से भी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, तो अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए, कोई सामान आपका खो सकता है। अगली राशि है हमारे पास वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बुध अस्त होकर कई तरह के नुकसान देंगे। आपको निर्णय लेने में समस्या महसूस होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, काम का दबाव भी आपके ऊपर बढ़ सकता है जो आपको परेशान करेगा ही करेगा। साथ ही में आपके वर्क प्लेस पर जरूरी सहयोग भी आपको नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपके लिए समस्याएं बढ़ती रहेंगी। जो लोग बिजनेस में हैं, कारोबारी हैं, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्तर पर अगर मैं बोलूं तो नकारात्मक असर आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, मतलब पैसों का लॉस आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो किसी भी पार्टनर के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि इस पीरियड में वो आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। इसके बाद अगली राशि जो हमारी है वो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए भी बुध का अस्त होना आपके करियर में विपरीत समय देगा। काम बनते बनते आपके बिगड़ जाएंगे, मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा, आपको दांतों से संबंधित रोग हो सकता है। ऐसा कह सकते हैं आपकी इस समय भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है इस पीरियड में। आप चारों राशि वालों को सेहत से जुड़ी समस्याएं अगर होंगी तो वो नर्व रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दांतों में दिक्कत हो सकती है अचानक से, आपको ब्रीदिंग इश्यूज या फिर साइनस जैसी समस्या हो सकती है। तो अगर आप ऑलरेडी एस्थमा पेशेंट हैं या आपकी सांस फूल जाती है तो इस पीरियड में आप जितना हो सके फ्रेश एयर जरूर लीजिए। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप वर्कआउट शुरू करिए, नहीं तो इस पीरियड में आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग करने से बचिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उपाय के तौर पर सबसे बड़ा उपाय आपके लिए ये है कि दिन में 10 मिनट आप कहीं खुली हवा में बैठकर मेडिटेशन जरूर करिए। ये उपाय मैं आप सभी चारों राशि वालों के लिए बोल रही हूँ। दिन में बैठकर 10 मिनट मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए 10 मिनट तो मैंने मिनिमम बोला है, अगर आप समय निकाल सकते हैं तो 10-10 मिनट के 3 स्लॉट बना लीजिए, सुबह कर लिया, फिर दिन में कर लिया, फिर शाम को कर लिया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम ऑफिस में कैसे करें, कॉन्फ्रेंस रूम जब आपको खाली दिखे आप वहां जाकर बैठ जाइए, 5-10 मिनट आप अकेले शांति से बैठ जाइए और वहां बैठकर मेडिटेशन करिए। लेकिन दिन में एक बार आपको खुली हवा में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो पीरियड आप सुबह का रख लीजिए या फिर आप शाम का रख लीजिए। लेकिन आप चारों राशियों जिनका मैंने बताया है तो इन चारों राशि वालों को मेडिटेशन इस पीरियड में करना बहुत जरूरी है। कहीं भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो सलाह मशवरा करके लगाइए, किसी पर भी आग बिल्कुल बंद करके विश्वास मत करिए। ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में आपको लॉसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकर आऊंगी ऐसी ही खास अनोखी जानकारी आप लोगों के लिए। जय माता दी।